सो आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए बिना लहसुन अदरक और प्याज के शिमला मिर्च की सब्जी, जो हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल वेद अनुलेखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। यहाँ लिया है मैंने 2 शिमला मिर्च और 2 आलू। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे ताकि अब और अच्छे से हम इसे धो के काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पहले से दोस्तों काट के रखा है, ये देखिए, ये बारीक बारीक शिमला मिर्च और आलू को। तो ये मेरे 2 शिमला मिर्च 2 आलू कट चुके हैं। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक कढ़ाई और इस कढ़ाई पे मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपको कितना ऑयल लेना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, ये मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा। ये ज़ीरा, ये देखिए, अब ये ज़ीरा मेरे हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे शिमला मिर्च, कटी हुई बारीक शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी है और अच्छे से मैं इसे भून लूंगी। और मैंने इसमें हरी मिर्च, एक बड़ी हरी मिर्च काटी हुई बारीक, वो भी ऐड कर दी है, मिला दिया है। अब इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। आलू भी हम मिला देंगे जो कटा हुआ है, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अब ये अच्छे से फ्राई करना है हमें दोस्तों के, ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। तो ये मैं अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे सेंधा नमक। मैं इसमें उपासी सेंधा नमक ले रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल नमक भी ले सकते हैं, क्योंकि हम इसे जो शाम को व्रत तोड़ते हैं ना, तब हमें ये खाने के साथ हम खा सकते हैं, वन टाइम जो हम खाना खाते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से हम इसे फ्राई करते रहेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हमारी लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर 3/4 लाल मिर्च पाउडर ली है दोस्तों। पहले से हमारी शिमला मिर्च है, हरी मिर्च लिया है, तो मिर्ची का बहुत ध्यान रखिएगा। तो अब इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारा गरम मसाला। तो ये मैंने ऐड किया है गरम मसाला। गरम मसाला मैंने यहाँ पर 1/4 ही लिया है दोस्तों। और अब अच्छे से इसे भी हम मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे 2 टमेटो। इस टमेटो को मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो 2 छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, पर ये कद्दूकस करने का ये मोटिव है दोस्तों, क्योंकि इसमें ग्रेवी अच्छे से आ जाती है। तो आप या मिक्सी में पीस लीजिएगा या इसे कद्दूकस कर लीजिएगा, तो ग्रेवी आपकी अच्छी बन जाएगी। तो ये हो गया मेरा टमाटर। ये देखिए, तेल छोड़ने लगा है अब टमाटर भी। ये सब्ज़ी में से तेल निकलने लगा, माने हमारे पूरे मसाले पक रहे हैं। अब पक चुके हैं, फिर भी मैं अब आलू और शिमला मिर्च को पकाने के लिए इसे 2 मिनट के लिए ढक दूँगी और ढक के पकाऊँगी। तो ये मैंने ढक दिया है। अब मेरे 2 मिनट के बाद ये देखिए कितना अच्छा हो चुका है, तेल पूरा छोड़ चुका है सब्जी। आलू देखिए पक चुका है, ये देखिए। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे अमचूर पाउडर। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर लिया है, हल्का सा, ताकि इसमें खट्टापन आए। ये चॉप्ड किया हुआ मैंने धनिया डाल दिया है, बारीक कटा हुआ, ये देखिए। अब लगभग हमारी सब्जी यहाँ पर रेडी है। तो ये देखिए, थोड़ी देर हम इसे पका लेंगे दोस्तों। आपको अमचूर पाउडर अभी डायरेक्टली नहीं डालना है, थोड़ा सा आलू पकने के बाद अमचूर पाउडर डालिएगा, ताकि वो खट्टेपन से वो कच्चापन ना रह जाए, कच्चा ना रह जाए आलू। तो लगभग ये पक चुकी है, रेडी है, मैं इस बर्तन में निकाल लूँगी। तो ये रही मेरी शिमला मिर्च रेडी। ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कमेंट।